हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट क्लास 9th श्रितिज पार्ट 3 के प्रश्न उत्तर, जो कि है उपभोक्ता की संस्कृति। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। लेखक के अनुसार उपभोग का भोग करना ही सुख है, अर्थात जीवन को सुखी बनाने वाले उत्पाद की जरूरत के अनुसार भोग करना ही जीवन का सुख है। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति और दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। आज की संस्कृति उपभोक्तावादी संस्कृति है, जो केवल उपभोग करने की प्रेरणा दे रही है। यह संस्कृति हमारे दैनिक जीवन पर अभिशाप की भांति हावी होती जा रही है और धीरे धीरे हम इनके आदि होते जा रहे हैं। प्रश्न 3, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों दी है, क्यों कहा है। लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती इसीलिए दी क्योंकि पहले के लोग सदा जीवन का उच्च विचार का पालन करते थे। आज उपभोक्तावादी संस्कृति भारतीय संस्कृति की नींव हिला देगी। इसके अलावा यह संस्कृति भोग को भी बढ़ावा देती है। प्रश्न 4, आश्चर्य स्पष्ट कीजिए। क, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद में समर्पित होते जा रहे हैं। इसके प्रभाव में आकर हमारा चरित्र बदलता जा रहा है। हम उत्पादों का उपभोग करते हैं। सही बोला जाए तो हम उत्पादों का उपभोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि उत्पाद हमारे जीवन का उपभोग कर रहे हैं। प्रश्न 5, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे व्यास्यपद की क्यों ना हो। उपभोक्तावाद के बढ़ते प्रभाव से मनुष्य को सुविधावादी बना दिया है, परंतु अब सुख सुविधा का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। भारतीय अमेरिका को अपने आदर्श मानकर उसकी संस्कृति और पदार्थों को अपनाने लगी है। ऐसी प्रतिष्ठा को हास्यपद से ही कहते हैं। प्रश्न 5, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालचित होते हैं, क्यों। आज का युग बाजार का युग है, जिसमें विज्ञापन प्रधान भूमिका बनाए हुए है। किसी भी उपभोग की वस्तु का अधिकतर प्रचार हम टीवी पर देखते हैं, लेकिन आज स्पर्धा रागू में एक वस्तु के अनेक ब्रांड आने लगे हैं। आज के प्रदर्शन की चकाचौंध हमें बरबस हमारे विवेक को कुंठित कर अपनी ओर आकर्षित कर रही है। अतः हम विज्ञापन के आधार पर ही वस्तु को सर्वगुण संपन्न मानकर उसे खरीदने को ललचिया हो जाते हैं। प्रश्न 6, क्रिया विशेषण से युक्त पाठ में से वाक्य छाट कर लिखे। पहला, सूक्ष्म बदलाव आया है। दूसरा, निरंतर लगी रहती है। तीसरा, अलग अलग कहते हैं। चौथा, जैसे जैसे दिखावे की संस्कृति फैलेगी। पांचवा, अपनाते जा रहे हैं। ख, क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। धीरे धीरे वह धीरे धीरे घर से खिसक गया। जोर से वह जोर से चिल्लाने लगा। कम दाम दाल कम लगी है। उधर वह उधर बैठ रहा है। ज़्यादा वह ज़्यादा खाने वाला नहीं है। ग, नीचे दिए गए वाक्यों को क्रिया विशेषण शब्द छाटकर अलग लिखिए। निरंतर कल, देखकर पके, जोरों की हल्की, उतना जितना, आजकल विलासिता। सो यहीं पर हमारी क्लास 9th श्रितिज पार्ट 3 के प्रश्न उत्तर कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सब प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।